luck, how luck plays an important role in everybody's life. So that's what good luck is about. Good luck is a frothy comedy film. It's a very simple premise, really. It's that a certain good luck charm seems to be passed from person to person, and how everybody is trying to grab that. किरदार यानी कि मेरा जो रोल है इस पिक्चर में बड़ा सिंपल सा रोल है. एक पुलिस ऑफिसर हूँ और उसको पता चलता है कि भाई एक गुड लक नाम की किस घूम रही है पूरे शहर में और वो गुड लक किस के पीछे पड़ जाता हूँ. गुड लक एक एज आई सेड इट्स अगेन लाइट हार्टेड रोमांटिक कॉमेडी है. इट्स अ एंटरटेनर एंड मैं कहूँगा कि देर आर नो मैसेजेस इन द मूवी. तो ऑडियंस को मैं कोई मैसेज देने की कोशिश नहीं कर रहा. They should just come, enjoy themselves and go back. Aditya Dutt came to me and said a very strange thing. He said, this part which I think only you can play. And then he tells me, I asked him what's the part. He said it's the part of a gigolo. My character, I'm playing a struggler who's a singer. Who's like, you know, struggling to become a singer in the film. And in the film, I've got very bad luck. मतलब जो भी करना है उल्टा ही करना है, उल्टा ही पढ़ना है. इट बैक फायर मी एंड यू नो नथिंग कैन हैपन स्ट्रेट इन माई लाइफ इन द फिल्म. दैट्स व्हाट माय कैरेक्टर इज अबाउट. पोस्टर उल्टे लगाए गए थे बेसिकली एक पब्लिसिटी कैंपेन था कि जैसे आप अभी मेरे से सवाल पूछ रहे हैं वैसे सवाल उठें और एक क्यूरियोसिटी क्रिएट हो ऑडियंस में. क्योंकि जब आप आम आदमी जब जा रहा होता है और पोस्टर देखता है तो वो सारे पोस्टर सीधे ही देखता है, पर क्योंकि गुड लक का पोस्टर उल्टा होता है तो वो एक मिनट रुकेगा और देखेगा अरे ये क्या हुआ, किसी ने पीके तो नहीं लगा दिया कि चक्कर क्या है. तो बेसिकली इट्स अ पब्लिसिटी कैंपेन इंटेंशनली डन टू यू नो टू क्रिएट क्यूरियोसिटी अमंगस्ट द ऑडियंस. सो दैट विल बी गुड लक. देन विद इन 10 डेज यू विल हैव अगली और पगली एंड विद इन 10 डेज यू विल हैव सिंग इज किंग. So in the next 1 month, you're going to see 3 movies in which I am there. So please forgive me. Kiss कभी लड़की के पास होती है, कभी लड़के के पास होती है. और जो kiss transferring technology है, वो ये है कि if you kiss that person, then you get the good luck. और इसी पे पूरी picture है, इसी पे अपना character है. या सारे किरदार बहुत अलग है एक दूसरे से. आर्यमन राम से जो है वो एक वॉनबी रॉक स्टार प्ले कर रहा है, जो एक रॉक बैंड मोस्ट टू बी अ स्टार वन डे. सयाली भगत एक एडवर्टाइजमेंट एजेंसी हेड प्ले कर रही है. रणवीर सोरी एक जिगलो प्ले कर रहा है. लकी अली म्यूजिक बैरन प्ले कर रहा है. अर्चना जी टैरो कार्ड रीडर. शरद सक्सेना इज प्लेइंग पुलिस ऑफिसर. तो ये सारे किरदार इतने अलग हैं और जैसे फिल्म आगे बढ़ती है उन्हें ये लक फैक्टर के बारे में पता चलता है और सब सक्सेसफुल होना चाहते हैं अपने अपने तरीकों में, अपने अपने ज़िंदगी में. और इसलिए हाउ दे सब वो लक फैक्टर के पीछे भाग रहे हैं. To watch more, log on to www.erosentertainment.com.